जब जब बहार आई। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां। मैं तो दो तीन तरह से ही गा पाता हूँ, लेकिन रफी साहब सौ तरीकों से गा लेते थे। वो मुझसे कई गुना बेहतर फनकार थे, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत अजीम गायक थे। ये बातें किशोर दा ने रफी साहब के बारे में तब कही थी जब उनका इंतकाल हुआ था। इस घोर कलयुग में जब लोग कला का भी धर्म ढूंढ लेते हैं, तो भला भारत के ये दो महान गायक भी आज के दौर की इस संक्रामक बीमारी से कहां बच पाते। गनीमत है कि दोनों इस दुनिया से कब के जा चुके हैं। ये साफ दिल के लोग थे, उन्हें ये सब कहां अच्छा नहीं लगता। कुछ कमक लोग इस बेफिजूल की बहस को उठाते हैं कि इन दोनों में से कौन अधिक बेहतर गायक था, जबकि वो भी जानते हैं कि दोनों में से कोई कमतर नहीं था। और ये दो ही नहीं, उस दौर के और भी गायक इतने हुनरमंद थे जितने कि ये दो। क्या मुकेश जी को आप इन दो महान गायकों के सामने कमतर आंक सकते हैं? क्या मन्ना डेजी को हल्के में लिया जा सकता है? क्या तलत महमूद की गायकी को कम तोला जा सकेगा? नहीं, कतई नहीं। चलिए खैर, रफी साहब और किशोर दा से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूँ। ये किस्सा जानकर आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये कलाकार कितने महान इंसान भी थे। वैसे वो सच्चा कलाकार हो ही नहीं सकता जो अच्छा इंसान ना हो। कला एक तरह का अध्यात्म जो है। रफी साहब का प्लेबैक करियर शुरू हुआ था 1944 से, जबकि किशोर दा ने 1948 से प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी। दोनों लगभग एक ही टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में गायकी कर रहे थे। उस वक्त कभी भी इस तरह के सवाल नहीं उठे कि इनमें से कौन बेहतर गायकी करता है। मगर जब 1970 से किशोर दा एकदम से प्लेबैक गायकी के शिखर पर पहुंच गए, तो कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। फिल्म आराधना के गीतों की सफलता ने किशोर दा को जबरदस्त ख्याति दिलाई थी। हालांकि रफी साहब और किशोर दा के बीच तुलना 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम के बाद ही शुरू हो गई थी। प्यार का मौसम फिल्म में एक गीत है जो आपने भी सुना होगा। उस गीत के बोल हैं, तुम बिन जाऊं कहां के। ये गीत रफी साहब व किशोर दा दोनों ने गाया था। रफी साहब ने शशि कपूर जी के लिए ये गीत गाया था और किशोर दा ने भारत भूषण जी के लिए इस गीत को अपनी आवाज दी थी। ये गाना बड़ा हिट हुआ। तब किशोर दा और रफी साहब के फैंस के बीच बहस छिड़ गई कि किसने ये गीत अधिक बेहतर गाया। जबकि आप इन दोनों गीतों को सुनेंगे तो आपको कोई भी गीत कम नहीं लगेगा। इस बहस को मीडिया ने भी और मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये मीडिया ही था जिसने ये बात फैलाई कि रफी साहब और किशोर दा एक दूसरे से जलते हैं, जबकि ये बात 100% गलत व कोरा झूठ थी। लेकिन जब आराधना फिल्म के रिलीज होने के बाद किशोर दा रातों रात स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंच गए, तो मीडिया को ये कहने का बहाना मिल गया कि किशोर कुमार मोहम्मद रफी का करियर खा गए हैं। उस वक्त और भी कई फिल्में आई जिनके गीत किशोर दा ने गाए थे और वो गीत बहुत ज्यादा हिट हुए थे। इसी दौरान ये इत्तेफाक भी हो गया कि रफी साहब ने गायकी कुछ वक्त के लिए बंद कर दी। इससे मीडिया को अपनी बात सही साबित करने की एक वजह मिल गई। जबकि सत्य ये था कि रफी साहब उन दिनों हज करने चले गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने गायकी ना करने का फैसला कर लिया था। लगभग 1.5 साल तक रफी साहब ने कोई गीत नहीं गाया, जबकि उस दौरान किशोर दा हर दिन एक से बढ़कर एक गीत गा रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने रफी साहब को गायकी फिर से शुरू करने के लिए काफी मनाया, लेकिन रफी साहब नहीं माने। ऐसे में रफी साहब का कोई विकल्प बचा ही नहीं। रफी साहब के बाद उसत्रा की गायकी में किशोर दा से बेस्ट नाम कोई ना था, इसलिए किशोर दा को ही धड़ाधड़ साइन किया जाने लगा। 70 के दशक की शुरुआत राजेश खन्ना के स्टारडम का भी दौर था। राजेश खन्ना किशोर दा के फैन थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उनके गीत सिर्फ किशोर दा ही गाएंगे। मीडिया अब भी वही सब बातें कर रहा था, हालांकि किशोर दा या रफी साहब ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। दोनों जब भी मिलते थे तो बहुत सम्मान के साथ मिलते थे। फिर वो दौर भी आया जब रफी साहब ने फिर से गायकी की तरफ वापसी की शुरुआत। कुछ परेशानियों के बाद रफी साहब ने दोबारा अपना वही मुकाम बना लिया जो पहले था। दूसरी पारी में रफी साहब ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था, तब किशोर दा बहुत देर तक उनके जनाजे के पास बैठे रहे। लोगों ने किशोर दा को रफी साहब के पैर पकड़कर रोते हुए देखा था। तो बताइए, क्या ये सच हो सकता है कि इन दो महानतम गायकों के बीच किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव रहा हो? किशोर दा के पुत्र अमित कुमार तो कहते हैं कि किशोर दा रफी साहब को बड़ा भाई मानते थे।
खुशकिस्मत हैं हम लोग कि उन दो महान हस्तियों के जाने के बावजूद हम उनके गाए गीतों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद दीजिए उन साइंसदानों को जिन्होंने रिकॉर्डिंग की तकनीक इजाद की। और सोचिए कि अगर ये तकनीक उस जमाने में भी होती जब तानसेन अपनी गायकी से दीप जला दिया करते थे तो क्या ही खुशकिस्मती होती।